आईपीएल 2024 का आठवां मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दे दिया, जिसके बाद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने हार्दिक के इस फैसले को शुरुआती घंटे में ही गलत साबित किया। दोनों खिलाड़ियों ने मुंबई के 20 गेंदों के अंदर ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक मुंबई की बखिया उधेड़ दी, जिसके बाद हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के इतिहास में एक महारिकॉर्ड बना दिया। हैदराबाद की टीम ने महज 7 ओवर में 100 का आंकड़ा छू लिया था। अगले 3 ओवर में हैदराबाद की तरफ से ताबड़तोड़ 48 रन देखने को मिले, जिसके बाद महज 10 ओवर में हैदराबाद ने 148 रन ठोक डाले। बुरी तरह से पिटाई करने के बाद हैदराबाद ने मुंबई से पुराना बदला लेकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साल 2021 में मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ 10 ओवर में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड बनाया था। मुंबई ने 131 रन बनाए थे, लेकिन अब हैदराबाद ने 2 साल पुराना बदला लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हैदराबाद की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। अभिषेक शर्मा ने महज 16 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली और इस टीम की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। अभिषेक ने अपनी पारी में 7 छक्के और 3 चौके लगाए। उन्होंने महज 23 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। इससे पहले ट्रेविस हेड ने भी महज 18 गेंदों में 50 ठोक डाली। हेड ने 24 गेंदों में 62 रन की पारी को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हेनरी क्लासन ने भी बैटिंग गंगा में हाथ धोए और उन्होंने 80 रन की पारी के लिए महज 34 गेंदे ही खर्च किए। क्लासन की पारी में 7 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इन पारियों की बदौलत हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। हैदराबाद की टीम ने मुंबई के सामने 278 रन का बड़ा लक्ष्य रख दिया था, लेकिन मुंबई ने 20 ओवर में 246 रन बनाकर 31 रन से यह मुकाबला हार चुकी है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।